जी हाँ दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम ब्लॉगर्स के बारे में बात कर रहे हैं और उन ब्लॉगर्स जो कि अभी नए नए स्टार्ट के, मतलब अभी जस्ट बिगिनर्स हैं। 1080p पे शूट होना था, करना था, और 720p में शूट हो गया। तो ऐसे बहुत सारा गलती होते रहता है। तो सबसे पहले गलती, तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज्यादातर बिगिनर्स हैं, वो मोबाइल से ही शूटिंग करते हैं अपना ब्लॉग और उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे आप फ्रंट कैमरा यूज कर रहे हैं तो उसमें सेटिंग रहता है रेजोल्यूशन का कि आप किस रेजोल्यूशन में शूट करना चाहते हैं, मतलब सेटिंग रहता है 720p जिसमें वीडियो की क्वालिटी बहुत लो रहती है। उसके बाद दोस्तों है 1080p 30 fps और उसके बाद है 1080p 60 fps। तो आपको 1080 60 fps में ब्लॉग को शूटिंग करना चाहे आप फ्रंट कैमरा से शूट कर सकते हैं या फिर रियर कैमरा से। तो गाइस, अगर आपके मोबाइल में 4K अवेलेबल है और 30 fps है तो आप उससे शूट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ब्लॉग करेंगे तो बी रोल वगैरह आप ही शूट करेंगे तो उसमें अच्छा से आपका सिनेमैटिक लुक नहीं आएगा। तो गाइस, आप शूट कर सकते हैं 1080p 60 fps पर, जो कि बहुत अच्छा है। आपको इसमें बहुत सारा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है जिससे आप इसको स्लो कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद दोस्तों सेकंड मिस्टेक की और बात करते हैं। तो सेकंड मिस्टेक है माइक। ये छोटा छोटा मिस्टेक है लेकिन दोस्तों ये जो माइक है हमारे वीडियो क्वालिटी को इनहेंस कर देता है। कैसे? आवाज, आवाज ही जो वीडियो का जान है। भीड़ में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक माइक होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना माइक के आपको मतलब जो भी बोल रहे हैं अच्छा से कन्वे नहीं हो पाएगा आपके व्यूअर्स तक। तो क्या मतलब ऐसा ब्लॉगिंग से? तो इससे अच्छा है आप 700 का कम से कम कॉलर माइक, जैसा मैं यहाँ पर लगाया हूँ, आप उसको ले सकते हैं। नहीं तो आप शॉटगन ले सकते हैं, जैसा यहाँ पर मेरे पास है ये शॉटगन, आप देख सकते हैं ये शॉटगन माइक है और ये बोया का है। 1500 से आपको 2100 तक मिल जाता है, आप इजी इसको यूज कर सकते हैं फॉर ब्लॉगिंग। तो गाइस, तीसरे मिस्टेक की ओर चलते हैं जो कि है दिखाओ ज्यादा बताओ कम। मतलब आपको बोलना कम पड़ेगा अब अगर आप ज्यादा दिखाते हैं। तो गाइस, बीच बीच में आपको सिनेमैटिक फुटेज आपके वीडियो में व्लॉग में रहनी चाहिए ताकि लोग इंगेजमेंट बनी रहे, ऑडियंस देखने में अच्छा लगे, हाँ भाई गजब का ब्लॉग है, सिनेमैटिक भी दिखाया प्लस बताया भी, इन्फॉर्मेटिव प्लस सिनेमैटिक। 50% आप बता रहे हैं या फिर फेस दिखाकर बात कर रहे हैं तो 50% सिनेमैटिक फुटेज रहना चाहिए आपके ब्लॉग के अंदर। नेक्स्ट मिस्टेक है पर्सनल ओपिनियन, जो ज्यादातर लोग नहीं देते। तो गाइस, आप जिस जगह को जा रहे हैं तो स्पेसिफाइड जगह का उसके बारे में आपको ओपिनियन देना है कि ये प्लेस कैसा है, ताकि जो आपके व्यूअर्स है इंगेज हो और लगे हाँ ये बहुत अच्छा बता रहा है। तो इसके बारे में आप कंसिडर करिए, आप पर्सनल ओपिनियन आपका जरूर रहना चाहिए ताकि ब्लॉग अच्छा हो। नेक्स्ट मिस्टेक की और बात करते हैं एडिटिंग। जैसे आप ट्रांजिशन लगाते हैं तो ट्रांजिशन आप वीडियो शूटिंग करते दौरान ट्रांजिशन में बदल सकते हैं अपने, मतलब आप शूटिंग करते ही ट्रांजिशन बना दो अपना, उसके बाद आपको एडिटिंग ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शूटिंग कर रहे हैं और कोई बीच में पिलर आ गया तो वहां पर आप अपना जो फुटेज है वहां पर ब्लॉक कर सकते हैं, उसके बाद वहां पर वो एक ट्रांजिशन बन गया। तो गाइस, जैसे मैं यहाँ पर अभी मोबाइल रखा हूँ, पकड़ा हूँ और मेरा रियर कैमरा ऐसा कुछ है, आप देख सकते हैं अभी मैं फ्रंट फेसिंग शूट कर रहा हूँ। जैसे मैं अपना खुद का लेना है, जैसे हाय गाइस हाउ आर यू, कैसे हो आप सब, आई होप यू डूइंग वेल, इतना हो गया। उसके बाद मेरे पीछे है टेंपल, कैसे दिखाना है आपको देखना है, बस ऐसा करना है। आप देखिए एक ट्रांजिशन बन गया, एक ऐसा वाला फ्लिप वाला ट्रांजिशन बन गया। एक और ट्रांजिशन है मैं बताना चाहूंगा आपको। तो गाइस, जैसे मैं अभी यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, हेलो गाइस हाउ आर यू, अब हो गया मेरा, तो पीछे कुछ देखना तो ऐसा कीजिए आप इसे, तो एक ट्रांजिशन बन गया। तो यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए, तो जैसे ही स्टॉप करेंगे उसके बाद फिर अच्छा से आप होल्ड कर लीजिए अच्छा से, देन एक ट्रांजिशन बन जाता है। मतलब आप खुद जब आप शूटिंग के दौरान ट्रांजिशन पहले से बना देंगे तो आपको कुछ एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी ही आपका ब्लॉग रेडी हो जाएगा। तो गाइस, ये जो मिस्टेक्स हैं आप ज्यादातर करते हैं, इसलिए आपको ज्यादा टाइम लगता है और आपका ब्लॉग अच्छा नहीं बनता। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।